आज चर्चा करेंगे इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड का एक लेक्चर बच गया था, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में चर्चा किया था कि एक लेक्चर में इसको समाप्त करने की आज कोशिश करते हैं। तो अगला जो नॉवेलिस्ट की चर्चा मैं यहाँ करूँगा उनका नाम है खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह इज अ नॉवेलिस्ट ऑफ ग्रेट रेप्यूट, एक बहुत ही प्रतिष्ठित उपन्यासकार रहे हैं खुशवंत सिंह भारत के, हुज फर्स्ट नॉवेल, जिनका पहला उपन्यास जो है अ ट्रेन टू पाकिस्तान, इन्होंने अ ट्रेन टू पाकिस्तान लिखा था और इसमें इन्होंने प्रस्तुत किया था, दिखाया था कि क्या भयावह दृश्य था मर्डर का, हत्या का, ऑन द ईव ऑफ इंडियाज पार्टीशन। धर्म के आधार पर जब हमारे देश भारत का बंटवारा हुआ था दो मुल्कों में, भारत और पाकिस्तान, तो उस संध्या पे क्या भयावह तस्वीरें हुई थी, इसकी चर्चा उन्होंने अपने इस उपन्यास में किया है। हिज आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगल, एक और बहुत ही पॉपुलर इन्होंने उपन्यास लिखा है आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगल, ऑल्सो प्रजेंट्स द पिक्चर ऑफ इंडिया, उसमें अपने देश की छवि को उन्होंने बहुत तरीके से प्रस्तुत किया है। उसके बाद उन्होंने लिखा है दिल्ली एंड द वुमेन आर इज अदर नॉवेल्स, और उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, उन सभी उपन्यासों का चर्चा यहाँ करना थोड़ा मुश्किल होगा। अब अगला नाम जो है वो है अरुण जोशी, इज कॉल्ड एन एग्जिस्टेंशियलिस्ट। एग्जिस्टेंशियलिस्ट मतलब जो चीज़ एग्जिस्ट करता हो, यानी अस्तित्ववाद के ऊपर इन्होंने लिखा है, हु डील्स विद द थीम ऑफ एलिनेशन, जो कि अलगाववाद पे चर्चा करते हैं। एलिनेशन का मतलब अलगाववाद पे इन्होंने अपना विचार रखा है इन हिज नॉवेल्स द फॉरनर्स, द स्ट्रेंज केस ऑफ बिली विश्वास, द अपीयरेंस एंड द रिवर्स। चमन नाहल पब्लिश्ड आज़ादी विच ऑन हिम साहित्य अकेडमी अवार्ड। अगला है इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा वी फाइंड अ स्ट्रॉन्ग ग्रुप ऑफ वुमेन नॉवेलिस्ट, कि आज़ादी के बाद के समय में हम देखते हैं कि कुछ महिला उपन्यासकारों का एक समूह था जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है उपन्यास लेखन में भारत में, जिन्होंने इंग्लिश भाषा में जो है सो अंग्रेजी भाषा में उपन्यास लिखा है। उसी में आगे हम देखते हैं रुथ प्रवर झाबवाला इज अ ग्रेट वुमेन नॉवेलिस्ट। रुथ प्रवर झाबवाला एक महान महिला उपन्यासकार थी और इन्होंने पब्लिश किया 8 नॉवेल्स ऑन अर्बन मिडिल क्लास, जो है सो मध्यम वर्गीय, शहरी मध्यम वर्गीय परिवार के ऊपर इन्होंने जो है सो जो उपन्यास लिखा है। अमंग द वुमेन नॉवेलिस्ट अनीता देसाई इज द ग्रेटेस्ट, और जब हम आगे देखते हैं तो अनीता देसाई भी एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार रही हैं। सी हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्जीनिया उल्फ, और अगर यदि देखा जाए तो इनके उपन्यास में वर्जीनिया उल्फ का छाप बहुत हमें मिलता है, एंड सी ऑल्सो यूजेज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक, और इन्होंने अपने उपन्यास में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक का प्रयोग किया है। हर नॉवेल्स आर साइकोलॉजिकल, उनका जो है सो उपन्यास बड़ा ही मनोवैज्ञानिक चीज़ों पर आधारित है। अनीता देसाई द्वारा रचित कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास का नाम है क्राई द पिकॉक, वॉयस इन द सिटीज, बाय बाय ब्लैकबर्ड, फायर ऑन द माउंटेन एंड क्लियर लाइट ऑफ द डे आर हर मेमोरेबल नॉवेल्स। ये सब उनके बहुत ही प्रसिद्ध यादगार उपन्यास हैं। हर नॉवेल्स आर नोटेड फॉर रिच सिम्बोलिज्म, लिरिकल लैंग्वेज, आयरनी एंड सटायर। उनके उपन्यास में हम देखते हैं कि सिम्बोलिज्म का चर्चा है, लिरिकल लैंग्वेज हम देखते हैं, और आयरनी का उन्होंने प्रयोग किया है और सटायर का प्रयोग किया है।
ये सारे फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, ये अगर आपने पार्ट वन में ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कमला मार्कंडे इज अनदर नॉवेलिस्ट हु हैज़ मेड अ मेमोरेबल नेम। कमला मार्कंडे एक अन्य नाम है वुमेन नॉवेलिस्ट में। हर फर्स्ट नॉवेल नेक्टर इन सिव इज़ वेरी पॉपुलर, उन्होंने अपना पहला उपन्यास नेक्टर इन सिव लिखा था जो कि बहुत ही पॉपुलर हुआ। अगला नाम है नयनतारा सहगल, राइट्स मोस्टली पॉलिटिकल नॉवेल्स, ये ज़्यादातर राजनीतिक उपन्यास लिखा करती थी नयनतारा सहगल। सी प्रेजेंट्स वुमेन हु वांट सेक्सुअल फ्रीडम, ये ऐसी औरतों के बारे में चर्चा करते हैं जो सेक्सुअल फ्रीडम, सेक्सुअल आज़ादी चाहती थी एंड सेल्फ रियलाइजेशन। हर फर्स्ट नॉवेल इज अ टाइम टू बी हैप्पी, इनका पहला उपन्यास है अ टाइम टू बी हैप्पी विच डील्स विथ फ्रीडम स्ट्रगल एंड अराइवल ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें हम देखते हैं कि ये फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल के बारे में चर्चा करती हैं और कैसे आज़ादी का आगमन होता है उसके बारे में ये चर्चा करती हैं। कुछ अन्य उपन्यासकार जो अभी भी लिख रहे हैं और जिनके योगदान को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसमें से प्रमुख नाम है विक्रम सेठ और अरुंधति रॉय का, और ये अभी भी लिखते हैं। तो इस प्रकार मैंने एक संक्षिप्त रूप में आपको इंडियन नॉवेलिस्ट्स के बारे में जो कि इंग्लिश में लिखा करते हैं के बारे में मैंने इस लेक्चर में बताया है, और उम्मीद करते हैं कि अगर आप इसमें से 50% भी नोट को लिख पाएंगे एग्जाम में तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, ये दो लेक्चर में कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में SCC पेपर 3 का यूनिट 2 में ले चलूँगा।